गाइस, क्या आप जानते हैं कि कनाडा के 90% हिस्से पर आज भी अंग्रेजों का राज है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कनाडा का एक बड़ा हिस्सा जो कि लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो पहले ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंडर आता था, लेकिन अब उनके मरने के बाद इस हिस्से पर प्रिंस चार्ल्स का राज है, जिसमें 48% हिस्सा वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी की अस्थायी सरकार संभालती है और 42% हिस्सा वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट यानी की केंद्र सरकार संभालती है। और अब सबसे हैरानी की बात कि यहाँ का रहने वाला कोई भी कैनेडियन नागरिक यहाँ अपना घर बनाने के लिए जगह नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसके लिए उसे ब्रिटेन के प्रिंस या क्वीन की परमिशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जहां ब्रिटिश क्राउन का राज है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और सिलोन, जो कि आज का श्रीलंका है, इन देशों पर भी ब्रिटिश क्राउन का ही राज है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, €1 में 88 रुपए हैं, वैसे ही एक कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।